In this question, an infinite horizontal square grid of side A made of uniform material has current I fed into it at node A and this current lives at B. The semi infinite wires used for the entry and exit of the current into this grid are shown in the figure 2, which is an enlarged version not drawn to scale of the grid in the locality of AB when observed along its plane. The feeding wires are parallel to AB. And just above the plane of the grid by a small distance, a very, very small distance, which is standing towards zero almost. These fitting wires are thus not visible in the figure 1 because in this figure the wires are out of the plane. Consider an Amperian loop, an Amperian circular loop with AB as axis, midpoint of AB as its center, and R as its radius, as on the figure 2.

जो आपका बी डॉट डी एल यहां पर बनेगा इसमें इस एम्पेर लूप के अक्रॉस वो x के बराबर होगा तो दिस इज टोटल, ठीक है लेट अस हाईलाइट दिस इंफॉर्मेशन B डॉट डी एल दिस इज टोटल एंड दिस टोटल इज इक्वल टू x। टोटल मीन्स इट इज ग्रिड वायर प्लस फीडिंग वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बी डॉट डी एल अराउंड दिस

पहली चीज़ ये है कि जो ए बी वायर है उसमें करंट कितना फ्लो होगा जो फीडिंग वायर है उस फीडिंग वायर में यानी कि जो करंट यहाँ पर ए पे फीड किया जा रहा है दैट करंट इज़ आई एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस प्रॉब्लम इन एरोडो बेस्ड ऑन सुपर पोजिशन तो इसमें पहले करंट कैलकुलेट कर लेते हैं और वैसे बहुत फेमस है तो सबको पता होगा आइडिया होगा करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें तो इसमें करंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे सुपर पोजिशन का यूज़ करते हैं और उसमें बोलते हैं कि यहाँ पर आई करंट अगर मैं यहाँ से फीड कराता हूँ तो दिस आई करंट will be distributed like this due to symmetry i by 4 in this direction i by 4 in this direction i by 4 in this direction and i by 4 in this direction to due to this fitting wire this is i by 4 now this current is leaving like this from b so we are taking this effect now so i by 4

कि अगर कैसा भी लूप है और उस लूप में दिस शुड बी इनफाइनाइट करंट जो भी हम करंट काउंट करते हैं वो इनफाइनाइट होने चाहिए इधर द करंट शुड बी इनफाइनाइट और वी शुड हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लोज लूप अगर हमें करंट्स अगर इनफाइनाइट वायर के फॉर्म में नहीं दिए गए अगर फाइनाइट वायर के फॉर्म में दिए गए तो फिर लूप का मेरे को आइडिया होना चाहिए कि, कि किस तरीके से लूप के फॉर्म में क्योंकि करंट जो होता है वो एक जगह से स्टार्ट होता है दूसरी जगह तक जाता है ओपन वायर में करंट फ्लो नहीं हो सकता ये जो इन्फाइनट भी हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके क्लोज हो रहे हैं इनफाइनेट डिस्टेंस पे तो इसीलिए इन्फाइनइट वायर में हम कैलकुलेट कर पाते हैं और यहाँ पे जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये यह इन्फाइनट वाला पॉइंट हो गया उसके बाद में जो वायर्स हैं उनके वजह से यहाँ पर कोई मैनेटिक फूड आता नहीं है तो यहाँ पर इसके वैसे बी डॉट डी एल मी नॉट इंटू आई के बराबर हम लिख सकते हैं लेकिन अगर वही ये फाइनाइट वायर होता है तब हम यहाँ पर नहीं लिख पाते मुझे पता अगर नहीं होता कि आगे किस तरीके से जा रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे तो अगर सिंपली एक फाइनाइट वायर है ऑब्वियस है कि वायर्स कैन नॉट बी ओपन लाइक दिस कहीं ना कहीं जा रहा होगा कहीं ना कहीं करंट मस्ट बी गोइंग यहाँ से कहीं ना कहीं से करंट कुछ आ रहा होगा कैसे ना कैसे करंट आ रहा होगा तो आई डोंट नो कि जब फाइनाइट वायर है तब यहाँ पर करंट किस तरीके से आ रहा है जा रहा है इसके लिए आप मेरे ड्रेन टू आई नहीं लिख सकते ऑब्वियस है कि आई करंट क्रॉस कर रहा है आई करंट इज़ क्रॉसिंग और इनक्लोज्ड बाय दिस लूप लेकिन दिस इज़ नॉट वैलिड फॉर दिस फाइनाइट करेंट या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ पर इसमें कि आपको ये पता है कि, कि करेंट किस तरीके से यहाँ पर फ्लो कर रहा है यह पूरा लूप आपको पता है तो अगर, अगर आपको कम्प्लीट लूप पता है देन यू कैन ऑल्सो यूज़ मी नोट इन टू आई और अगर कई बार ऐसे भी हो सकते हैं कि ये यह लूप यहीं से स्टार्ट हो और इसी के इसी में इनक्लोज़ हो जाए तो यहाँ से करेंट ऊपर जा रहा होगा यहाँ से करेंट नीचे आ रहा होगा उस केस में बी डॉट डी एल फिर इसका यहाँ पर हो जाएगा जीरो तो इस वाले का बी डॉट डी हो जाएगा जीरो इस वाले का जो बी डॉट डी है वो मी नाट इन टू आई के इक्वल हो जाएगा तो दिस वी हैव टू तो टेक कीप इन माइंड टू तो सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को इस करते हैं तो यहाँ पर आप देखो अगर मैं टोटल की बात करूँ लेटस टॉक अबाउट टोटल जो तो टोटल की बात हो रही तो है तो यहाँ तो पर तो 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 इसमें आपको पता है कि सभी वायर्स जो हैं वो इनफाइनाइट है जैसे जो ये जो फिडिंग वायर है ये खुद ही यहाँ से इनफाइनाइट से आ रहा है फिर उसके बाद में फिर वो यहाँ चला गया फिर वो इधर चला गया तो हर एक वायर का मेरे को पता है कि वो किधर से कैसे कैसे आ रहा है और सभी इनफाइनाइट है तो इसमें इस तरीके की फाइनाइट <coughs> वायर, वायर वाली कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें तो बस हम सिंपली यहाँ पर देख लेंगे कि ये जो लूप है इस लूप से कितना करंट पास हो रहा है वाट करंट इज़ इंक्लोज बाई दिस लूप ओनली वी हैव टू सी दिस तो बी डॉट डी एल तो जो वायर ए बी में करंट है वही इससे गुजर रहा है तो वायर ए बी में करंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया दैट इज आई बाई टू सो दिस वुड बी मीनोट आई बाई टू और दिस इज इंटायर दिस इज ड्यू टू इंटायर सभी ग्रिड और जो भी कुछ है सब कुछ मिला जुला कर जो कुछ जो कुछ भी है यहाँ पर सबका मिला करके यहाँ पर ही मिनोट आई बाई टू होगा और जो हमारा ए ऑप्शन है उसमें टोटल एक्स जो है मिनोट आई बाई टू है सो दिस वुड बी अ करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट नाउ वी हैव टू फाइंड वाई एंड वाट इज वाई हीयर तो वाई यहाँ पर सिर्फ ग्रिड की वजह से ओनली ड्यू टू ग्रिड तो ओनली ड्यू टू ग्रिड यहाँ पे कितना आएगा ये मुझे पता करना है तो so अगर मैं फीडिंग वायर की वजह से पता कर लूँ कि कितना है और मुझे टोटल पता है दिस इज टोटल तो टोटल में से अगर मैं फीडिंग वायर का माइनस कर दूँ क्योंकि ग्रिड में तो बहुत से जगह पे यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है कैसे कैसे करंट डिवाइड हो रहा है तो हो सकता है कि हम उसका डायरेक्ट कैलकुलेट ना कर पाएँ लेकिन फिडिंग वायर का वी कैन कैलकुलेट और फिडिंग वायर जो है वो एग्जैक्टली exactly सेंटर से पास नहीं कर रहा है लेकिन सेंटर ऑलमोस्ट सेंटर से पास कर रहा है ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ पर तो फिडिंग वायर इज़ ऑलमोस्ट पासिंग थ्रू द सेंटर तो अगला डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और उसमें सिर्फ मैं फिडिंग वायर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो आई एम रिप्रेजेंटिंग ओनली द फिडिंग वायर्स और मैं सेंटर से ही पास करते हुए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट वो सेंटर से ही पास कर रहे हैं तो फिटिंग वायर इज़ कमिंग लाइक दिस यहाँ तक आया और उसके बाद फिर वो यहाँ से चला गया बीच में कुछ लेंथ तक फिटिंग वायर नहीं है और कितने लेंथ तक फिटिंग वायर नहीं है तो दिस इज़ दैट लेंथ इस लेंथ में फिटिंग वायर यहाँ पर नहीं है ये जो लेंथ बनेगी यहाँ पर यह लेंथ यहाँ पर हो जाएगी ए बी के लेंथ के बराबर ए लेंथ तो ए लेंथ में यहाँ पर फिटिंग वायर इज़ एबसेंट तो फिटिंग वायर इज़ अपसेंट तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक तो ये मुझे पता है कि इधर भी इन्फाइनेटली एक्सटेंड कर रहा है ये और इधर भी इन्फाइनटली एक्सटेंड कर रहा है तो यहाँ पर इसको करने का एक तरीका ये बोला जा सकता है कि अगर ये कम्प्लीटली क्रॉस कर जाता तो अकेले इस वायर की वजह से ओनली ड्यू टू दिस वायर ओनली ड्यू टू दिस वायर जो बी डॉट डी एल होता है वो मीनोट इन टू आई हो जाता अब जितना हिस्सा गायब हो गया जितना पोर्शन यहाँ पर नहीं है द पोर्शन मिसिंग हेयर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन विसुड माइनस तो अगर मैं उसका कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस कर दूँ तो उससे भी हो जाएगा यहाँ पर या फिर इसको आप सुपर पोजिशन के फॉर्म में भी सोच सकते हो आप इसको कुछ ऐसे देख सकते हो कि मैं यहाँ पर इस वायर को एक बार कंप्लीट कर दूँ लेटस कंप्लीट दिस वायर इस वायर को मैंने कंप्लीट कर दिया और उसमें भी वही आई करंट फ्लो करा दिया क्योंकि फिटिंग वायर में तो आई करंट है और फिर क्योंकि अब मैंने एक्स्ट्रा करंट यहाँ पर बना दिया तो उस एक्स्ट्रा करंट के इफ़ेक्ट को आई हैव टू नलीफाई तो क्या करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में एक और करंट यहाँ पर वहीं पे पुट करना पड़ेगा तो एक्जैक्टली exactly मैं वहीं पे पुट कर रहा हूँ बस डायग्राम में दिखाने के लिए थोड़ा इसको सेपरेट करके दिखा रहा हूं। अब आप इस सिस्टम को दो सिस्टम का सुपर पोजिशन एज्यूम कर सकते हो तो, तो दिस कैन बी टेकन इज सुपर पोजिशन ऑफ द टू किस किस का सुपर पोजिशन हो जाएगा एक तो बिल्कुल सीधा यहाँ पर इंफाइनेट वायर जिसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है प्लस ये ग्रीन वायर तो दूसरा जो ग्रीन वायर वाला कॉम्बिनेशन है जिसमें एक फाइनाइट लेंथ में यहां पर ये फ्लो कर रहा है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पर और ये जो वायर है इस वायर की लेंथ यहां पर ए के बराबर हो जाएगी और सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो यहां पर ये ए बाई टू हो जाएगा तो दिस विल बी ए बाई टू और जो रेडियस है रेडियस भी इसके ए बाई टू के बराबर है तो इसके वजह से तो मेनो टू आई हो जाएगा अब इसमें करेंट था टूवर्ड्स राइट इस डायग्राम में और इसमें करेंट है टूवर्ड्स लेफ्ट तो इसमें जो भी बी डॉट डी एल आएगा फिर वो नेगेटिव हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पे सब माइनस मी मीनोट इंटू कुछ इस तरीके का आएगा कुछ ना कुछ तो मी नॉट आएगा उसमें और कुछ ना कुछ करंट का टर्म आएगा क्या आएगा वो मुझे पता नहीं है तो उसको हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा तो फॉर फाइनाइट वायर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और जो वायर है वो एक्सिस जो है वो सेंटर से पास कर रही है यहाँ पर तो बहुत ईजी है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना और उसका बी डॉट डी एल कैलकुलेट करना काफ़ी आसान होगा तो लेट इस कैलकुलेट दिस जो फाइनाइट लेंथ वाला वायर था उसके वजह से अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी डॉट डी एल तो इसका ऊपर ए वाई टू होगा नीचे ए वाई टू होगा और जस्ट मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज दिस फॉमोला बी इज इक्वल टू मी नॉट आई डिवाइडेड बाई फोर पाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा एक्स जो है वायर से डिस्टेंस होती है अगर कोई भी फाइनाइट वायर है उससे एक्स डिस्टेंस यहाँ पर और ये अल्फ़ा और यहाँ पर ये यह बीटा है तो नाउ वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड तो एक्स के जगह पे यहाँ पे ए बाई टू आ जाएगा तो इन प्लेस ऑफ एक्स देर इज़ एक्स बाई टू और अल्फा और बीटा यहाँ पे फोर्टी फाइव डिग्री होंगे यू कैन सी हियर ए बाई टू ए बाई टू दिस इज पाई बाई फोर उसी तरीके से नीचे से भी यहाँ पर फाइव पाई बाई फोर बन जाएगा तो टू टाइम्स आई एन बाई फोर टू टाइम्स वन बाई रूट टू यू कैन सी इट इज कैंसल्ड टू टाइम्स इट इज़ कैंसल्ड मे नॉट आई डिवाइड बाई पाई ए रूट टू दिस इज बी नाव वी हैव टू फाइंड बी डॉट डी एल टू फाइंड बी डॉट डी एल तो बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन अलॉन्ग दिस लूप तो जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एल वैक्टर विल बी इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट अलॉन्ग दिस लूप मैग्नेटिक फील्ड विल बी देअर ड्यू टू दिस वायर ओनली सबकी वैसे नहीं है ये हमें ध्यान में रखना है कि इट इज नॉट ड्यू टू ऑल इट इज ड्यू टू दिस वायर ओनली सो बी डॉट डी एल ड्यू टू दिस तो मे नॉट आई डिवाइड बाई पाई ए रूट टू एंड मल्टीप्लाइड बाई टू पाई आर बिकॉज बी डॉट डी एल बी एंड डी एल आर इन द सेम डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट तो दिस टू एंड टू आर कैंसल्ड बाई ए इज कैंस दिस इज मी नॉट आई डिडेड बाई रोट टू सो यहाँ पर हमने देखा था कि मी नोट आई और यहाँ पर ये माइनस मी नॉट आई बाई रोट टू क्योंकि दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पर इस फीडिंग वायर की वजह से जो नेट आएगा मी नोट आई माइनस मी नोट आई बाई रूट टू या फिर यहाँ से भी हमने पहले सोचा था कि जो वायर बीच में नहीं उसका कंट्रीब्यूशन माइनस कर दो तो टोटल तो वायर अगर होता तो मेनोट आई होता और जो वायर बीच में नहीं उसका कंट्रीब्यूशन मेनोट आई बाई रूट तो उसको आप एक तरीके से माइनस कर रहे हैं तो आप कैसे भी इसको समझ सकते हो तो मेनोट आई माइनस मेनोट आई बाई रूट हो जाएगा यहाँ पर दिस इज ड्यू टू फिडिंग वायर ओनली एंड नाउ वी हैव टू फाइंड ड्यू टू ग्रिड वायर तो वी नो द टोटल टोटल इज मेनोट आई बाई टू फ्रॉम दिस मेनोट आई बाई टू वी विल माइनस दी कंट्रीब्यूशन ड्यू टू फिडिंग वायर तो उससे हमें ग्रिड वायर पता चल जाएगा तो लेट इस डू दैट ड्यू टू ग्रिड और इसको वाई बोल रहे हैं यहां पर तो वाई इज टोटल वॉज मी नॉट आई बाई टू उसमें से आप यहां पर माइनस कर लोगे मी नॉट आई बाई रूट टू तो दिस वॉज टोटल टोटल माइनस फिडिंग विल गिव दी ग्रिड वायर कॉन्ट्रीब्यूशन तो दिस विल बी मी नॉट आई बाई रूट टू माइनस मी नॉट आई बाई टू एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस म्यू नोट आई वन बाई रूट टू माइनस टू तो इज़ इट मैचिंग विद सम आंसर लेट इस सी ये इट इज़ मैचिंग विद ऑप्शन नंबर सी तो सी यहाँ पर करेक्ट होगा उसके बाद में जो सी पॉइंट है इस डायग्राम में जो पी दिखा रखा है पी इज बेसिकली सी पॉइंट ये सी पॉइंट यहाँ पर इसका तो इस पर आपको मैगनेटिक फील्ड चाहिए तो कुछ स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि एम्पेरियन लूप यहाँ बना लेंगे और उसके बाद में उनको लगेगा कि जो मैगनेटिक फील्ड है वूप के अलॉन्ग है लेकिन वो इस लूप के अलम तब होता है जब यहाँ पे कुछ सिमेट्री होती है। अगर आप यहाँ पर ये यह लूप बना भी रहे हो तो पूरे ग्रिड जो है उस ग्रिड के रेस्पेक्ट में ये हर पॉइंट इसका एक जैसा नहीं है ईच एंड एवरी पॉइंट इज नॉट हैविंग सेम सिमेट्री आप यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको देख लो कुछ पॉइंट्स तो प्लेन में होंगे यहाँ पर इस ग्रिड के प्लेन में होंगे कुछ पॉइंट आउट ऑफ द प्लेन होंगे तो अगर यहाँ पर इस तरीके का लूप बना हुआ है तो वो जो लूप है वो ग्रिड के रेस्पेक्ट में लूप का हर एक पॉइंट सिमेट्रिक नहीं है तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं होगा डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकते हैं उसमें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को आप यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं मान सकते इसमें मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट हैव एनी सिमेट्री क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी आएंगे वहाँ पर तो इसमें किसी तरीके की सिमेट्री ना होने की वजह से हमें बी डॉट डी एल तो पता है लेकिन बी डॉट डी एल में से जो डॉट आता है वो डॉट डायरेक्शनल होता है डायरेक्शन पर डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंगली हम डॉट को वहाँ से हटा पाते हैं तो यहाँ से उस डॉट को हटा पाना मुश्किल है <coughs> तो सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना यहाँ पे इजी नहीं होगा कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको इस तरीके से सॉल्व करके डी ऑप्शन ला सकते हैं जो कि गलत होगा यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं एक बार मैं स्टूडेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से इसको देख लेता हूँ तो जैसे बी डॉट डी एल मुझे पता है कि कितना है मी नोट आई बाई टू है तो बी डॉट डी मुझे पता है कि मीनोट आई बाई टू है वहाँ पर इसमें और फिर वो क्या करेंगे बी इन टू टू पाए रेडियसिस के बाई टू है वो हमको पता है यहाँ पर रेडियसिस ए बाई टू तो ये टू और टू गया है यहाँ से और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे मीनोट आई डिवाइड बाई टू पाइए तो अगर वो सिमेट्री मान के चलते हैं तो फिर वो बी इतना कैलकुलेट कर लेंगे और मीनोट आई बाई टू जो है वो एक्स के इक्वल है तो यहाँ पर एक्स अपोन पाइए उनका आंसर हो जाएगा यहाँ पे और इसको जेड बोला गया है इसमें तो जेड इज रिकोल्ड एक्सअपोन एक पाई ए लेकिन दिस ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है विल नॉट बी हैविंग एनी सिमेट्री और उसमें डायरेक्शंस वगैरह भी उस लुक के अलॉन्ग नहीं आ पाएंगे तो जो करेक्ट ऑप्शनस होंगे इसमें वो ए एंड सी होंगे